गठबंधन में भी देखा खंडन सपा के कार्यकर्ताओं की बैठक में नहीं देखे भाजपा के नेता व कार्यकर्ता, क्या कारण है कि दोनों पार्टियों के एकजुट नहीं हो पा रहे कार्यकर्ता। चंदौली जिले के सदैया राजा विधानसभा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू के घर पर अचानक बलिया के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री जयकिशन साहू का आगमन हुआ। उस दौरान लगभग समाजवादी पार्टी के छोटे बड़े सभी कार्यकर्ता पहुंच गए और लोकसभा चुनाव कैसे जीता जाए इस पर चर्चा की। इस पूरे चर्चा के दौरान बहुजन समाज पार्टी के ना नेता देखे न कार्यकर्ता। देखिए अखिलेश सिंह के साथ चंदौली ब्यूरो कमलेश भारती की रिपोर्ट। इसलिए कि एक सेक्टर में एक गाड़ी हम देंगे तो उस गाड़ी से हम इंसान मांगेंगे तो कहेगा कि उस सेक्टर में हम चले गए, दोनों संयुक्त हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा केवल नहीं है, संयुक्त चुनाव हम लड़ रहे हैं तो उसको साथ में हम लेकर के सब अपने दायरे में। यह नहीं होगा, हम होंगे कार्यालय चुनाव प्रभारी। यह रहा कि मुझे सैयद राजा विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है और कार्यक्रम आज कार्यकर्ताओं से केवल मात्र मिलना जुलना था। अचानक कार्यकर्ता सुने, हमारे सेक्टर प्रभारी बूथ अध्यक्ष, तो अचानक सुनते ही बगैर मैसेज का इतनी बड़ी भीड़ हो गई। इसके लिए मैं चंदौली और सैयद राजा के समस्त कार्यकर्ता को बधाई देता हूँ। चुनाव में उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप क्या अभी प्रत्याशी आप यहाँ से नहीं घोषित हुए, विपक्षी कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष नहीं? यह तो अच्छी बात है, वे लोग क्या बात करेंगे जो माननीय अखिलेश यादव के सामने निरहुआ घुरहुआ उतार रहे हैं। वे लोग बात करेंगे, वे लोग बात कर रहे हैं कि ये लोग डर से भाग रहे हैं। वीरेंद्र सिंह मस्त को क्यों नहीं मिर्जापुर लड़ाए? भरत सिंह जैसा कार्यकर्ता, सबल कार्यकर्ता, मजबूत और ईमानदार कार्यकर्ता को बलिया से हटा गया। वो लोग अपने गिरवान में नहीं झाँकते हैं और दूसरे की बात करते हैं। हमारा कार्यकर्ता एक एक यहाँ पार्लियामेंट लड़ रहा है और दो चार दिन के अंदर प्रत्याशी भी घोषित होने जा रहा है। यहाँ कहाँ से वो लोग शक कर रहे हैं? किस तरह की तैयारी रणनीति है प्रदेश अध्यक्ष क्लब, किस तरह की रणनीति बनाई? कुछ रणनीति नहीं, जनता रणनीति बना चुकी है। 19 मई को जो है अपने आप उस रणनीति का खुलासा हो जाएगा। हमें कुछ रणनीति नहीं बनाना है, जनता खुद रणनीति बना ले रही है। मेडिकल कॉलेज न बनना एम चंदौली के लिए अपमान है, उसका बदला लेगी। यहाँ सपा की सीट है, चर्चा में है कि बसपा के मुख्यमंत्री की चर्चा है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि बसपा के कैंडिडेट को चुना जा सकता है? नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती का जो भी निर्णय आएगा हम लोग स्वीकार करेंगे, यह निर्णय उनके हवाले है। उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां राठ क्षेत्र के ग्राम इटौरा निवासी छुन्ना लोधी पुत्र सुभाष लोधी की 6 बीघे में गेहूं की फसल में जब खेतों के ऊपर से जा रही 11,000 की हाई टेंशन लाइन का एक तार टूटकर खेत में गिर पड़ा, जिससे गेहूं की पकी खड़ी फसल में आग लग गई, तो उस वक्त आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। गेहूं की फसल सूखी व पकी होने के कारण आग इतनी तेजी से फैली कि चारों ओर से आग के लपटे उठने लगे, जिसे देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचकर आग बुझाने लगे और उसी समय कुछ लोगों ने पास में बकरई ग्राम के लोगों को फोन के माध्यम से सूचित किया। सूचना पाकर तत्काल ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर सफलतापूर्वक आग पर काबू पा लिया, लेकिन इटौरा निवासी छुन्ना पुत्र सुभाष लोधी की 1 बीघा की फसल जलकर खाक हो गई, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं यह विद्युत विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही के चलते ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। देखिए राठ से आशीष निगम की। मतलब आप सभी लोग गांव के जो बकराई गांव है, तो आप सभी ग्रामवासी यहां आए और यहां काबू पाया है आग पर। इसको क्या